कभी पलट के मुझे जवाब दिया होगा, एक कभी आंख उठा के बात नहीं करी मुझसे। खैर, मैं बड़े होने का फायदा उठा लेता था, हंसते रहता था, बोलता था तुम बड़े होने का फायदा उठा दे दो, मेरा जब ऊपर वाले ने ये चाह तो तू क्या करेगा। इज टू टेल हिम माय प्रॉब्लम इज दिस, मैं घोड़े को घोड़ा ही कहता हूँ, गधा नहीं, और गधे को गधा ही कहता हूँ। वाजिद का ये प्रॉब्लम था, वो सबको ही घोड़ा कहता था। बोलता था अरे नहीं यार साजिद भाई, तो मैं उसको बोलता था वाजिद ये से झूठ मत बोला कर। बोले साजिद भाई कभी कभी है ना जिंदगी के अंदर कुछ लोग है ना आपके पास आते हैं बुराई लेके, मगर जब आप उनको अच्छाई दे दो ना तो उनकी बुराई कन्वर्ट हो जाती है। तो वो ऐसा सोचता था। I swear my mother, I feel Wajid with me. Right now I feel that he's right here. Believe me. मैं सलमान भाई के यहाँ भी गया था बीच में अभी मिलने के लिए, मैं उनको कुछ गाने सुना रहा था, हिमेश गाने सुनाते सुनाते मुझे दो बार महसूस हुआ ऐसा रात में कि ऐसे चल के आया और मेरे बाजू में आके बैठ गया। तो मैं करते करते मेरा ध्यान उसकी तरफ से लगा। I really don't know how long I'm gonna be there. Hemesh used to tell me one thing. आप अगर मैं अगर यहाँ से निकल गया ना साजिद भाई, बोला 100% निकल लेगा तू, साजिद भाई मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, हम एक ही घर में रहेंगे बचपने की तरह, और मैं अब है ना कहीं नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो रहा तो नहीं, मगर आई स्वर माय मदर, मैं आधी आधी रात को उठ जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो आके मुझे उठा रहा है, मुझे सांस नहीं आती यार। जिससे भी आप लोगों की बात करो, इतनी इतनी प्यारी बातें निकलती हैं, इतना प्यार निकलता है, हर इंसान इतना आपको प्यार करता है यार, कमाल है यार, इस बात पे तो मतलब बनता है रियली। थैंक यू यार, ये बात तो सच है काफ़ी। हाँ। मतलब हमारे जितने भी लोग हैं, मतलब जिनसे हमारी नाराजगी भी, वो भी हमें बहुत प्यार करने लगे अभी। एक बार पता है तेरे को, वाजिद जब हम म्यूजिक डायरेक्टर नहीं बने थे ना, तो वाजिद को किसी ने ना पिक्चर के लिए साइन कर लिया था। क्या बात है। ओके, तो वाजिद को पिक्चर के लिए साइन कर लिया, तो वाजिद की है ना मडलैंड पे कहीं शूटिंग वूटिंग थी, बहुत ही कोला था, वाजिद की दाढ़ी भी नहीं आई थी। तो वाजिद को ले गए भाई, तो वहाँ पर डायरेक्टर, मैं भी चला गया उसके साथ और मेरे दादाजी भी थे साथ में, तो हम उसको पेप कर रहे थे, मतलब बहुत ही यंग थे हम, मतलब हमें मुझे याद भी नहीं है। तो वहाँ पर एक शॉट था कि वाजिद को है ना वो हीरोइन को गोद में उठा के और कुछ रोमांटिक वाजिद से हुआ ही नहीं, वाजिद से हुआ ही नहीं। तो वाजिद को मेरे दादा बता रहे हैं ऐसे पकड़ के उठा और उससे ऐसे बात कर, वाजिद से वो हुआ ही नहीं। मेरे को बोलता है कि बोले मैं इसको इसको गोद में उठाता तो मेरी टांग कांपती है। बेचारा वो पिक्चर से हट गया।